नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर्स नोट्स के, बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये जो नोट्स है दोस्तों, दो भागों में आपको देखने को मिलेगा, जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू। और तीसरा भाग दोस्तों जो देख रहे हैं वो सामान्य हिंदी का एक अलग से बुक आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस कम्प्लीट सेट में आपको टोटल 11 बुक आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। और अगर इस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। अभी जो हमारे पास जो नोट्स है दोस्तों, टॉपर नोट्स का बीपीएससी का, वो हिंदी मीडियम वाला नोट्स है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए हम एक एक नोट्स को हम देखते हैं कि अंदर से कैसा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, नोट्स में किस तरह का आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलने वाले हैं, कैसा नोट से सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम देखते हैं जीएस पेपर वन। यहाँ दोस्तों देखेंगे जीएस पेपर वन, यहाँ पे चार भाग में जीएस पेपर वन को डिवाइड किया गया है और यहाँ जीएस पेपर टू को छः भागों में डिवाइड किया गया। और जो तीसरा पार्ट है वो सामान्य हिंदी एवं निबंध लेखन का ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। एक एक करके हम नोट्स को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इन सभी नोट्स का एक एक वीडियो आपको अलग से सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगा हर एक नोट्स का, ठीक है। जैसे ये विज्ञान साइंस का ये नोट्स है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको अलग से सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें मैं केवल इस बुक के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा कि आपको हर एक बुक के बारे में बेसिक जानकारी दे दूंगा, ठीक है, कि आपको ये बुक है किस तरह से मिलने हैं, कैसे मंगाने हैं और क्या क्या आपको इस नोट्स में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं जीएस पेपर मैं पेपर वन भाग चार की तरफ है। यहाँ पे पहला नोट्स है अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये टॉपर्स नोट्स है, जहाँ पे यहाँ अंदर देखेंगे तो यहाँ लिखा गया प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर वन भाग चार अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब यहाँ पे दोस्तों ये 2023 का एडिशन है, 999 रुपये MRP है और ये चौथा एडिशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मैं डिटेल में आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, कुल मिला के यहाँ 10 टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा भारत की विदेश नीति का विकास, भारत एवं पड़ोसी देश हो गया, भारत अमेरिका संबंध हो गया, भारत रूस हो गया संबंध, भारत और पश्चिम एशिया, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, भारत यूरोप संबंध हो जाएगा, भारत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था वैश्विक समूह। तो इस तरह से 10 अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कवर किया गया है। और ये यहाँ पे इनके ऐप के बारे में बताया गया है, इनके ऐप से भी आप काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इनके बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू, ऐसे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा भारत की विदेश नीति का विकास। अब यहाँ पे जो नोट्स में आपको जानकारी देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये मैं बता दूँ ये टॉपर्स के द्वारा लिखा गया है ये नोट्स है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ देखिएगा प्राचीन विदेश नीति, उसके बाद रामायण और भारतीय विदेश नीति, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको माइंड मैप देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक टॉपिक को समझाया गया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैप आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में है। हर एक टॉपिक के बाद QR कोड आपको दिया गया है, अगर इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो हो सकता है कि इनके वीडियो लेक्चर को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखेंगे एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक के बाद आपको QR कोड आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक है, प्रिंटिंग क्वालिटी पेपर क्वालिटी इस बुक का काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम भाग तीन को देखते हैं। तो भाग तीन हमारे पास मैथ्स का ये नोट्स है। तो आप लोगों को पता है कि पेपर GS जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी मैथ्स पूछा जाता है और मेंस में भी मैथ्स पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता है, भाग तीन हो गया, और सामान्य रीजनिंग और मैथ्स दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल आपको 18 टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं, कुल मिला के 18 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे टोटल। मैथ्स के कंप्लीट टॉपिक को कवर किया गया है दोस्तों, पेपर वन भाग तीन है ये। और यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। उसके बाद आपको टॉपिक के लास्ट में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये देखिए हैंड रिटन नोट्स है, मतलब हाथ से लिखा गया है, मतलब ये टॉपर्स के द्वारा ये नोट्स लिखे गए हैं सभी नोट्स, ठीक है। जो भी बीपीएससी में टॉपर्स है उन्होंने ये नोट्स को लिखा है। तो इस नोट्स को देखने के बाद आपका जो तैयारी होगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तैयारी होगा, आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छे संख्या में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे 13 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा है, मतलब एग्जाम्पल अच्छे देखने को मिलेंगे, मतलब शॉर्ट में आप मैथ्स का बेहतर रिविजन कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैथ्स में देखने को मिलेंगे ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों जीएस पेपर वन भाग टू भारत एवं बिहार का आधुनिक इतिहास आपको देखने को मिलेगा टॉपर्स नोट्स से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे टोटल आप देखेंगे तो सभी बुक का जो एमआरपी है 999 रुपये है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और मैं बता दूँ ये बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। तो ये आप दोस्तों देखेंगे यहाँ 20 टॉपिक में यहाँ देखने को मिलेंगे, 20 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी बुक लगभग आपको 3000 के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। अमेजन पे मैंने सर्च किया था, 3000 के आसपास आपको ये सभी बुक मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जीएस पेपर वन भारत और बिहार का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया गया भाग एक में। और ये दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इस बुक का मैं डिटेल में रिव्यू करूँगा। अभी बता दूँ कि 20 एक्सरसाइज यहाँ भी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया गया इस टॉपिक को। पहले क्लासिफाई करके प्राचीन इतिहास के स्रोत को बताया गया है, उसके बाद हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही शानदार नोट्स है दोस्तों, काफ़ी कुछ इस नोट्स में ध्यान रखा गया है। जगह जगह आपको मैप देखने को मिल जाएगा, मैप काफ़ी क्लियर देखने को मिलेगा। और जानकारी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सटीक है, ईजी लैंग्वेज का इस बुक में यूज़ किया गया है, ईजी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। तो ये हो गया जीएस पेपर वन। अब दोस्तों आप देखते हैं जीएस पेपर टू को, भाग छः को देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसमें साइंस को कवर किया गया है, जिसमें भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद जैव टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया। उसके बाद परमाणु टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे रक्षा हो गया, योजना और नीतियाँ हो गया। और सारे टॉपिक को देखिए साइंस का, जैसा मोशन है तो मोशन को कितने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके काफ़ी अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलेगा। साइंस में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। हर एक चीज़ को कवर किया गया। ये केमिस्ट्री का हो गया, केमिस्ट्री वाले पोर्शन को भी अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया दोस्तों हर एक टॉपिक को। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक टॉपिक को पूरे साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए फिगर के माध्यम से कवर किया गया है। एक टॉपर्स किस तरह से नोट्स बनाता है वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, और आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी इस बुक को लेने के बाद। तो बुक दोस्तों आप ज़रूर परचेज कीजिए, बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ये बुक आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का नोट्स है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का नोट्स आपको सामने दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, टॉपर नोट्स है ये दोस्तों, टॉपर के द्वारा लिखा गया नोट्स है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, धन और पैसे की आपूर्ति हो गया। उसके बाद दोस्तों मौद्रिक नीति हो गया, भारत में बैंकिंग हो गया। उसके बाद मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र हो गया, भारत बेरोजगारी गरीबी। तो कुल मिला के यहाँ दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी सारे एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं टोटल आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, 27 एक्सरसाइज में इंडियन इकोनॉमी को यहाँ डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ है वो समझाया गया। जगह जगह आपको QR कोड देखने को मिलेगा, इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप इस टॉपिक को डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए दोस्तों देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को कवर किया गया बहुत ही शानदार तरीके से। NDP क्या होता है, मतलब यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ किया गया दोस्तों बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, इस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें डिटेल में आपको सभी बुक का रिव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, अब हमारे पास है भारतीय राजनीति एवं संविधान भाग चार है, ये जीएस पेपर टू भाग चार। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान की मूल विशेषता, प्रस्तावना, उसके बाद संविधान की मुख्य विशेषता, संघ और उसके क्षेत्र, सारा टॉपिक को कवर किया गया है। और कुल मिला के भारतीय संविधान और राजनीति, इंडियन पॉलिटी में कुल मिला के आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तो 29 एक्सरसाइज में कवर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको भारतीय संविधान की मूल विशेषता टॉपिक का QR कोड देखने को मिल जाएगा, जहाँ से इस टॉपिक को डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका अलग से QR कोड आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक में आपको QR कोड के साथ साथ बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक को यहाँ पे
मतलब दिया गया है, ठीक है ना। आप इजी लैंग्वेज में सभी को समझ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हर एक टॉपिक के बाद में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा दोस्तों। और बुक का जो लैंग्वेज है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पेपर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक के नोट्स में आपको बहुत ही अच्छा जानकारी देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी देखने को मिलने वाला है। अगला नोट्स हमारे पास है दोस्तों भारत का भूगोल भाग 2, यहाँ 2 भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ देखिए भारत का भूगोल हो गया ये, ठीक है। भाग 1 भाग 2 यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मैं बता दूँ कि यहाँ पे टोटल 8 टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद इनके ऐप के बारे में जानकारी, और यहाँ मैप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको मैप देखने को मिलेगा, जानकारी बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट देखने को मिलेगा, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सभी नोट्स में आपको जानकारी आपको देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक है, ठीक है। हर एक चीज़ जानकारी आपको पूरा कवर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे ये हो गया BPSC बिहार लोक सेवा आयोग भूगोल भारतीय भूगोल 1, तो ये भाग 1 हो गया, ठीक है। भाग 1 में आपको भारत की स्थिति हो गया, भारत की भूगर्भी के संरचना हो गया, भारत के भौगोलिक प्रदेश हो गया, मतलब बेसिक जानकारी जो भारत का है ना वो आपको देखने को मिलेगा, भारत के जलवायु, यहाँ 6 अध्याय में इसे कवर किया गया है, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से भारत के भूगोल को भी कवर किया गया है इस नोट्स के अंदर। थ्योरी दोस्तों देख सकते हैं, 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही स्पष्ट थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी आप दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन है, जो भी जानकारी है एकदम डिटेल में और अच्छे तरीके से इस बुक में आपको देखने को मिलने वाला है। और इस बुक से आपका तैयारी जो दोस्तों होगा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपका तैयारी होने वाला है। अगला बुक हमारे पास है दोस्तों बिहार का भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राजनीति, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस नोट्स को बनाया गया दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये बिहार का भूगोल सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएगा, बिहार की का भूगोल में 8 एक्सरसाइज है। बिहार की अर्थव्यवस्था में आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे लगभग 9 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा, 9 से 18। उसके बाद दोस्तों आपको बिहार की राजव्यवस्था 19 से लेके 26, ठीक है, 19 से लेके 26 लगभग 8 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलने वाले हैं, 7-8 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। सबसे पहले बिहार के बारे में बेसिक जानकारी मैप के थ्रू बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा, फिगर भी बिल्कुल ज़्यादा स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और इससे आपका BPSC का जो तैयारी होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से होगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे सामान्य हिंदी जो आखिरी बुक है हमारे पास, सामान्य हिंदी और निबंध लेखन, ये भी एक पेपर आता है जिसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग ये BPSC का बहुत ही अच्छा नोट्स है दोस्तों, टॉपर नोट्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को सभी बुक में कवर किया गया है। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहले बेसिक ग्रामर देखने को मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर, और उसके बाद आपको निबंध लेखन वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी बुक का दोस्तों डिटेल में हम रिव्यू करेंगे। यहाँ दोस्तों देखिएगा सबसे पहले संज्ञा, एक टॉपर्स के द्वारा बनाया गया ये नोट्स है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शानदार नोट्स है, और जो भी जानकारी आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है, और हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके नोट्स में कवर किया गया है, ठीक है। मैं आपको निबंध लेखन दिखा देता हूँ, ये जो है ना, ये जो पोर्शन आप दोस्तों देख रहे हैं ना अंतिम में, ये निबंध लेखन वाला पोर्शन है। आपको बताया गया है कि निबंध किस तरह से आपको लिखना है, जैसे महिला सशक्तिकरण है तो सबसे पहले देखिए अलग अलग टॉपिक में आपको डिवाइड करना है कि यहाँ पे प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा उद्धार, उसके बाद प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व तथ्य, इस तरह से आपको निबंध लिखना है, ये इन्होंने बताया हुआ है, जो कि मुझे भारत मतलब काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि भारत में शिक्षा, तो अलग अलग टॉपिक में किस तरह से निबंध लिखना है वो बहुत ही शानदार तरीके से बताया हुआ है दोस्तों। तो ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड इन्होंने बनाया हुआ है ये नोट्स को। इनको लेने के बाद आपको अलग से नोट्स बनाना नहीं होगा, इनके नोट्स से आप आसानी से BPSC की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और इन सभी नोट्स का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों
कि जैसे ये बिहार और भारत और बिहार बिहार का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है। इस बुक में टोटल आपको नंबर ऑफ पेज है 202 पेज आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये जीएस पेपर भाग वन के बारे में पहले मैं बता रहा हूँ, पेपर वन के बारे में। उसके बाद भारत और बिहार का आधुनिक इतिहास, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 182 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैथ्स का नोट्स है, मैथ्स और रीजनिंग का, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिलेंगे 162। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है का ये नोट्स है, जीएस पेपर भाग एक का ही है, यहाँ 126 से 127 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद ये साइंस का नोट्स है जिसमें कंप्लीट साइंस को कवर किया गया है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पेज आपको 242 पेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है दोस्तों, ये जो नोट्स है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का है, यहाँ टोटल आपको देखने को मिलने वाले हैं 250 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों भारतीय राजनीति एवं संविधान, यहाँ पे दोस्तों आपको 224 से 225 पेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों भारत का भूगोल भाग टू, यहाँ पर टोटल 118 पेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भूगोल भाग एक, यहाँ पे टोटल आपको 128 पेज देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 212 पेज आपको देखने को मिलेंगे, 213 पेज। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे 188 पेज आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बुक है ये सामान्य हिंदी और निबंध लेखन है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 188 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बुक में मैंने बता दिया कितने पेज आपको देखने को मिलेंगे, सभी बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, सभी आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और इन सभी नोट्स का आपको डिटेल में रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।